इंटरनेशनल टीम्स हैं आप कोई भी टीम का नाम लें इंग्लैंड का नाम लें न्यूजीलैंड का नाम लें साउथ अफ्रीका बांग्लादेश तमाम टीमें पाकिस्तान आई हैं और नो डाउट पाकिस्तान में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमें लग रहा था कि शायद जो ग्राउंड है क्रिकेट के कजाफी स्टेडियम नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम ये शायद तैयार ना हो सके लेकिन ये मेरी अपनी जतीी इंफॉर्मेशन है मेरे अपना जो मैं देख रहा हूँ उसके मुताबिक ये ग्राउंड मुकम्मल हो जाएंगे पता नहीं नसीम भाई की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मेरी अभी तक नसीम भाई की इस हवाले से बात नहीं हुई डायरेक्टली मैंने नसीम भाई को कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है पीसीबी चेयरमैन काफी आ, आ, जिस तरह कहते हैं ना इंटरेस्टेड है बहुत एग्रेसिव तरीके से उन्होंने रखा हुआ है आंख रखी हुई है और वो काम करवा रहे हैं दिन रात नसीम भाई थैंक यू वेरी मच नसीम भाई चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा अहम मामला है

जो उनके लिए मशहूर है तो आई होप सो के ये जो उन्होंने तमाम तोड़वा दिया है तो उसको जुड़वा भी देंगे टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर कर, बारह करो बारह अरब रुपए जो है वो खर्च हो रहे इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो तीन स्टेडियम है मोर देन बारह अरब रुपए तो उस लिहाज से अल्लाह करे कि ये टाइम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए इस पे कोई दूसरा जवाब मोहसिन नकवी साहब का चलेगा नहीं अगर ये स्टेडियम कोई एक भी मुकम्मल नहीं हुआ तो मोहसिन नकवी साहब चाहे पाकिस्तान टीम की इंडिया से हार का कोई जवाब दे दें बांग्लादेश से हार का कोई जवाब दे दें लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा अगर खुदा ना खास्ता क्योंकि हमारे पास तीन प्रॉपर प्लेबल स्टेडियम है वरना तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में जो मोस्टली मैचेस अफगानिस्तान का श्रीलंका से करा रहे होंगे मुल्तान के अंदर अगर कोई एक आध मैच रखना पड़ गया हमें वरना हम तीन स्टेडियम को फोकस कर रहे होंगे और वो तीनों स्टेडियम जो है वो टूट फूट का शिकार ना हो और इनका काम जो है वो फर्स्ट फ़रवरी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि 19 तक की जितनी भी टेस्टिंग है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी और सबको करा दे ये पहला टास्क तो ये मोहसिन नकवी साहब का और मैं पूरी उम्मीद है जैसे आपको उम्मीद है मुझे भी उम्मीद है कि इतनी जिम्मेदारी का काम है मोहसिन नकवी साहब रात को भी स्टेडियम का विजिट कर रहे होते हैं आ, खास तवज्जो उनकी दिखाई देती है कभी कुछ खबरें आ रही होती हैं कि वो होंगे या नहीं होंगे लेकिन मेरे ख्याल है कि आ, जो स्टेडियम का काम जब तक चल रहा है जब तक तो मोहसिन नकवी साहब जो आपने कल बात कही थी अब्बास भाई वो कहीं नहीं जा रहे क्योंकि वो काम उन्होंने छिड़वाया हुआ है और वो काम खत्म भी आपने चंद महीनों में करना है तो ज़ाहिर है कोई नया आदमी तो जिम्मेदारी नहीं लेगा कि भाई उन्होंने इतना काम जो है वो खुलवा दिया था उसके बाद जो है वो इसको समेटना ही आसान काम नहीं था तो दूसरों पे जवाब डालने की पोजीशन में भी नहीं है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कि अब तो मोहसिन नकवी साहब आप ही ने इस बेड़े को उठाना है और आप ही ने इस बेड़े को मुकम्मल करना है इसके अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी हमारे सारे स्टेडियम बन जाएंगे मैं अगर नेशनल स्टेडियम देखने गया था आबाज भाई आपने भी नेशनल स्टेडियम का विजिट किया है नेशनल स्टेडियम में देखिए काम अकल मंदी से हो रहा है बेवकूफी से नहीं हुआ उन्हों उन्होंने क्या, क्या? स्टेडियम मैं भी गया था कजाफी स्टेडियम मैंने देखा कजाफी स्टेडियम में भी बहुत इंटेलिजेंटली काम किया जा रहा है और आपको पता है कि फ्यूचर जो कजाफी स्टेडियम का है कि जो होटल बन रहा है उसी से वो कहते हैं कि ये एक बेसमेंट होगी जो कि सीधा स्टेडियम की तरफ जाएगी अच्छा इसमें ये बात है कि बहुत ज़्यादा जब ओवर सिक्योरिटी होती है ना आपको पता है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं इनके खदशात और डर ज़रा थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं है बड़ा अच्छा काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का बड़ा स्पीडी जिस तरह आप नेशनल स्टेडियम की बात करें कजाफी स्टेडियम में भी और रावलपिंडी स्टेडियम में भी अच्छा मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी मोहसिन नकवी साहब की जब इन्होंने ये स्टेडियम के काम शुरू करवाए तो एक मीडिया टॉक में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के के ही नहीं पाकिस्तान जो स्टेडियम नसीम भाई आपकी वीडियो चली गई है इसको जरा चेक आ गई आपकी वीडियो इंटरनेशनल स्टेडियम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पाकिस्तान के स्टेडियम ही नहीं है ये अच्छा हुआ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एडमिट किया और टू गो अहेड हुए एक नए जज्बे के साथ

हाइब्रिड uh, मॉडल के तहत किसी और मुल्क के अंदर हो गया लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए बता देंगे जय शाह आ गया है जय शाह आ गया है जय शाह मुझे तो नहीं लगता कि जय शाह क्रिकेट का दुश्मन होगा जय शाह क्रिकेट अगर वो बीसीसीआई में आया है तो वो क्रिकेट का लवर होगा ना वो क्रिकेट को पाकिस्तान लेकर आएगा ना ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ है अब जय शाह लास्ट ईयर जब आप वर्ल्ड कप कवर करने गए थे उसके फौरन बाद इंडिया में आम इंत थे और आम इंत की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है जय शाह उनके वालिद अमित शाह का जहां से ताल्लुक है तो वो आ, उनका तो एजेंडा ही जो है वो पाकिस्तान अगेंस्ट था जिसके ऊपर उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई थी अगर वो उस जगह पे पाकिस्तान आ, के लिए लीनियंट रवैया रखते तो एक डिफरेंट चीज थी एशिया कप के मौके पे इंडियन टीम नहीं आई लेकिन इस बार आपने देखा होगा चाहे जेषाह साहब के भी जितने स्टेटमेंट आए उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार नहीं किया उन्होंने एक ही बात कही कि अभी टाइम बाकी है हम इस चीज़ को देख रहे हैं लेकिन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था वो उनके वाय नायब सदर राजीव शुक्ला की जानब से आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इस दफा भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं गई तो हो सकता है पाकिस्तान भी जो नेक्स्ट ईयर एशिया कप है या उसके बाद वर्ल्ड कप है वो खेलने से इनकार कर दे और वो भी कहे कि हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे देखें पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन है लेकिन आ, हम इंडिया की वजह से जेर अताब रहे हैं जो एक सच्चाई है वो हम रहे हैं क्योंकि वो अथॉरिटी थी पैसे लेके आ रहे थे उनके लिए लेकिन दुनिया क्रिकेट इस बात को समझती है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और इंडिया की इंग्लैंड में हो न्यूट्रल वेन्यू पे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का सरबरा कहता है मेरे मुल्क में हो आपके विराट कोहली का और रोहित शर्मा का भी स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान से सीरीज होनी चाहिए तो एक पॉजिटिव अभी आपने लास्ट कुलदीप यादेव का भी स्टेटमेंट देखा होगा जिसके मैं अर्शदीप और कुलदीप में आपको पिछली वीडियो में भी बहुत क्लियर कर चुका हूँ कुलदीप ने भी पॉजिटिव बात कही थी कि अगर पाकिस्तान जाके खेलने का मौका मिला तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमने कभी जाके नहीं खेला यार हमारे फैंस ने नहीं देखा कोहली को इतना बड़ा फैन क्लब है मेरा बेटा अल्लाह की कसम मेरा बेटा कोहली का इतना बड़ा फैन है एक बाबर आजम का फैन है दो बेटे और वो पहले माजी में होते थे रोनाल्डो के और मैसी के फैन तो दोनों लड़ रहे होते थे आज एक बाबर का है एक कोहली का फैन है और दोनों लड़ रहे होते हैं तो मेरे अपने घर में कोहली का फैन है मैं कसम खा के कह रहा हूँ हमारे मुल्क में इस तरह प्यार किया जाता है भारतीय क्रिकेटर्स को हमारे यहाँ पे कि यार वो देखना चाहते हैं यार बुमराह का गेम पढ़ के जाता है तो मैं अपनी आंखों से तो देखू वो जाता कैसा है वो जो लिफ्ट करता है वो कैसे करता है हम देखना चाहते हैं यार कोहली का Temperament, हम देखना चाहते हैं रोहित शर्मा की ब्रिस्क स्टार्ट, वो जो हुआ और उठा के देखी है हमने इनके इवेंट जाके देखे लेकिन हमारे क्राउड ने नहीं देखा यार करंट जनरेशन ने तो जो कोहली की फैन है उसने तो देखा ही नहीं है और मैं आपको एक बात बताऊं हमारे मुल्क में तेंडुलकर के इतने बड़े फैन नहीं थे जितने कोहली के बड़े फैन है तेंडुलकर नसीब भाई बहुत सारे लोग बड़े अजीब अजीब मैसेजेस करते हैं मैं रिप्लाई नहीं करता लेकिन मैं वीडियो के अंदर इस चीज को क्लियर करता हूँ कि यार क्रिकेट को सियासत के साथ लिंक ना करें खुदारा भी पॉजिटिव नहीं कर यार। नहीं यार भारतीय आवाज पढ़े लिखे हो गए आप लोग आप नेगेटिविटी ना फैलाएं क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें अब्बास भाई आप बात को समझें ये जो नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट जो आपको क्रिकेट फैन मिलेगा ना आप ये मैं अपने इन फैंस को भी कह रहा हूँ जो प्रॉपर क्रिकेट फैन होगा ना वो आपको आप पे तनकीद करेगा अच्छे अंदाज से और जो 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 वो वाले मैंने कह रहा कि जो इंतहा पसंद एलिमेंट होगा वो उसका कमेंट होगा खतरनाक किस्म का वो आपको आग लगाने की कोशिश करेगा वो भाई मैं यहाँ बैठ के मुझे क्या आग लगा लोगे कोई आग नहीं लगनी मेरे को मैं यहाँ पे भाई पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के लिए पहले बात करूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है भाई और दूसरी चीज ये कि मैंने कहा ना इंडियन फैंस के आपने देखा कितने खूबसूरत कमेंट्स थे आपने अच्छे कमेंट्स देखे वो अक्सरियत अच्छे कमेंट्स की मिलेगी आपको और पढ़े लिखे लोगों वाले कमेंट्स होंगे कमेंट्स भी तरीके बड़ी अच्छी डिटेल और बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं नसीम भाई चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट क्विक क्योंकि अजान भी हो रही है क्विक रिप्लाई दे दे चैंपियंस ट्रॉफी के चांसेस लग रहे हैं आपको पाकिस्तान में अब्बास भाई फिफ्टी फिफ्टी अगर आ, देखें चैंपियंस ट्रॉफी के इम्कान तो मुझे हंड्रेड परसेंट लग रहे हैं लेकिन इंडियन टीम के हवाले से मैं हमेशा से फिफ्टी फिफ्टी रहता हूँ कि एंड टाइम पे क्या पॉलिटिकल मामला हो जाते हैं क्या जवाब बना दिया जाता है कोई मेल आ जाती है कोई कुछ हो जाता है और पता चला कि इंडियन टीम ने जवाब बना लिया तो वो जवाब बनने का मैं एक ऑप्शन जरूर रखता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर देखें तो दोनों ममालिक के दरमियान में एक अच्छी गुफ्तू का सिलसिला जारी है अगर अकवाम मुतहदा में भी देखें तो एक अच्छे माहौल के अंदर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो उनके ऑफिशल टॉप ऑफिशल मिले अच्छा माहौल रहा तो आई होप सो कि अब इंडिया में इलेक्शन हो गए हुकूमत आ चुकी है दोबारा तो अब क्रिकेट के लिए माहौल साजगार होना शुरू हो जाएगा और जो डेढ़ अरब क्रिकेट फैंस है पाकिस्तान और इंडिया के वो महजूज होंगे यार क्रिकेट को मैं आपको बताऊं कि आज भी मुझे याद है विक्रांत गुप्ता जब 2006 हजार में एशिया कप के लिए आए थे मेरा की तरह है यार, भाई, भाई होते जो दोस्तों छोड़े वो मोहब्बत है वो जरा थोड़ा सा जरा नाम बहुत ज्यादा हो गया है तो अल्लाह उसे और बहुत ज्यादा तरक्की दे बहुत अच्छा इंसान है बहुत खानदानी इंसान है विक्रांत अभी यूएस में एक बार मुलाकात हुई उससे कुछ लम्हा लेकिन Uh, बहुत इज़ गुड मैन बड़े अच्छे तरीके से शहरों का वाकया सुनाऊंगा विक्रांत जो मेरे लिए लड़ा था उस होटल के रिसेप्शन पे जियो की टीम के लिए आपकी सोच होगी और एक घंटा लड़ा था एक घंटा कि ये यहीं ठहरेंगे और वो एक वाकया हो गया था बड़ा दिलचस्प वाक्य था हमारे दोस्त सुहेल इमरान का तो उसको जरा आगे डिस्कस करेंगे बड़ा मजेदार वाक्य था उसके बाद इंडियन जर्नलिस्ट सारे पहुंच गए थे उसमें दास गुप्ता आ गए थे उसमें विक्रांत गुप्ता दास आ गए थे विक्रांत आ गया था विजय सिंह आ गए थे ये सारे आगे खड़े हो गए थे और उन्होंने पाकिस्तानी हमारी जियो की टीम के लिए जो लड़ा था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ विक्रांत मेरे साथ यार क्रिकेट मैचेस खेले हैं यार कराची के अंदर असगर अली शाह स्टेडियम के ऊपर विक्रांत बहुत अच्छा बैटर है और बहुत ही टेक्निकली साउंड बैटर है माशाला तो भाई मैं तो हम तो प्यार करते हैं यार हमें एक एक चीज आप लोगों की याद होती है हम नहीं भूलते और मैंने फिर कहा क्रिकेट फैंस वही होगा कि जिसका कमेंट्स होगा म्यारी वो तनकीद वाला होगा लेकिन म्यारी होगा उसके अल्फाजों के आज चुनाव बहुत अच्छा होगा लेकिन जो इंतहा पसंद होंगे जिसने रूबी को कूटाए तो वो ऐसे ही कमेंट्स देंगे जैसे आपके शो में आके दे रहे होते हैं अब्बास भाई अब मैं क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता अब्बास भाई चलो रफीम भाई बहुत शुक्रिया आपके पास क्या लव यू लव यू भाई अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज